अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ की इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 करीम स्टोरी। इस स्टोरी का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फिर ये वीडियो है हमारा पार्ट थर्ड, ठीक है। तो फिर पहले दो वीडियो में हमने पढ़ा कि करीम ने कैसे एक ज़मीन ख़रीदा और फिर कैसे वो ऑफिस यानी कि फॉरेस्ट ऑफिस में जाके उसने वहाँ से सैपलिंग्स मांगा और उसने कैसे लगाया, ठीक है। तो फिर हमने ये भी पढ़ा कि करीम को ये पता था कि जो उसने ज़मीन ख़रीदा है वो बहुत ड्राई यानी कि वो बहुत बंजर है, वहाँ पे कुछ उगने वाला नहीं है और उसे हर रोज़ वहाँ पे पानी देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम इस स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। सिंस देयर वेर नो वेल ओवर पॉन्ड्स नियर हिज लैंड, करीम यूज़ टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम अ वेल अबाउट 2 किलोमीटर्स अवे। तो फिर जो करीम का जो ज़मीन था, ठीक है, यानी कि जो करीम ने वो ज़मीन लिया हुआ था, उसके इर्द गिर्द कोई वेल या फिर कोई पॉन्ड यानी कि कोई तालाब और कोई झील नहीं था, ठीक है। इसीलिए करीम को 2 किलोमीटर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, ठीक है, यानी कि वो उस ज़मीन से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था ताकि वो वहाँ से पानी ला सके। पीपल वुड लाफ एट द साइट ऑफ हिम राइडिंग विद पॉट्स ऑफ वाटर ट्राइड टू हिज मोटर बाइक बट करीम डिडंट केयर, ठीक है। तो फिर जो लोग करीम को देखता था, ठीक है, यानी कि करीम को पानी लाते हुए देखता था, कुछ मटकों में अपने मोटर बाइक से बांध के करीम को पानी लाते हुए देखता था, तो फिर वो लोग करीम को देख के हंसता था, लेकिन करीम ने कभी उन लोगों का केयर नहीं किया, ठीक है। करीम ने बोला कि अगर इन लोगों को हंसना है तो फिर हंसने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन हिज माइंड ही वुड ऑलरेडी सी हिज फॉरेस्ट ग्रोइंग थिक एंड ग्रीन। तो फिर करीम ने पहले से ही ये इमेजिनेशन कर लिया था कि जो उसका जंगल यानी कि जो उसने ज़मीन ख़रीदा था वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा और एक घना सा जंगल ग्रो हो चुका है, ठीक है, यानी कि ये उसने इमेजिनेशन कर लिया था कि वहाँ पे इतना घना जंगल होगा। However, even though Karim took good care of them, the first batch of saplings died within a few days. तो फिर करीम ने जो saplings लाया था, ठीक है, उसने उसके बहुत अच्छे से देखभाल भी किया था, लेकिन जो उसने पहले जो saplings लाया था वो कुछ दिनों में ही क्या हो गया, सूख गया, ठीक है, यानी कि वो सूख के मर गया वो सारे saplings. But he didn't Ready to give up, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारा और उसने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। He went back to the forestry official and requested more saplings. फिर वो एक और बार दोबारा कहाँ चला गया, फॉरेस्ट ऑफिस में चला गया और उसने वहाँ पे फिर से क्या मांगा, और ज़्यादा saplings मांगे। करीम रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट बट अगेन ओनली अ फ्यू प्लांट सर्वाइव्ड, ठीक है। तो फिर करीम ने फिर से जो वो सैपलिंग्स लाया हुआ था उसने फिर से उनको उन पत्थरों के बीच में लगाया, ठीक है, उनमें से कुछ प्लांट्स क्या कर गए, सर्वाइव कर गए यानी कि उग गए। ही देन डिसाइडेड टू यूज स्लाइटली ओल्डर प्लांट्स इन प्लेस ऑफ सैपलिंग्स। तो फिर उसने क्या, उसने ये सोचा कि वो कुछ ओल्डर प्लांट्स को, ठीक है, क्या करेगा, सैपलिंग्स के बदले इस्तेमाल करेगा। फॉर 2 ईयर्स करीम वर्क हार्ड विदाउट स्टॉपिंग। तो फिर 2 साल तक करीम ने बगैर रुके बहुत मेहनत किया। इन द थर्ड ईयर ऑल हिज एफर्ट फाइनली शोव इट रिजल्ट हिज प्लान स्टार्ट टू ग्रो। तो फिर 2 साल के बाद, 2 साल तक तो करीम फेल होते रहा, ठीक है, जैसे पहले साल में जब करीम ने वो सारे सैपलिंग्स यानी कि वो सारे चांपरू जब लाया था तो फिर वो सारे सूख गए, तो फिर जब सेकंड टाइम में करीम ने फिर से वो सारे सैपलिंग्स लाए तो फिर उनमें से कुछ सर्वाइव कर गए थे और कुछ सूख गए थे। तो फिर थर्ड टाइम, ठीक है, करीम क्या हो गया, अपने उस एफर्ट में यानी कि जो उसने मेहनत किया था उसमें वो कामयाब हो गया और उसमें से जो प्लांट थे वो ग्रो होने स्टार्ट हो गए, ठीक है, यानी कि उसके प्लांट उगने लगे। रियलाइजिंग डेट हिज ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू,
करीम ब्रॉट अनदर 27 एकर्स ऑफ लैंड इन 1982। जब करीम ने देखा कि उसका ख्वाब पूरा हो रहा है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो रहा है, और फिर उसने देखा है कि यहाँ पे जंगल लग सकता है, यानी कि यहाँ पे ये जितने भी दरख्त हैं वो उग सकते हैं। तो फिर उसने क्या किया, 1982 में और 27 एकड़ ज़मीन फिर से ख़रीदा एंड बिगन प्लांटिंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट। और फिर वहाँ पे उसने फिर से अलग अलग किस्म के प्लांट्स लगाना स्टार्ट किया। ही नेवर यूज्ड एनी पेस्टिसाइड्स ओवर केमिकल्स, ही नेवर प्रोन्ड हिस्ट्रीज ओवर गैदरिंग द फॉलन लीव्स। ठीक है, उसने उन दरख्तों पे कभी भी कोई पेस्टिसाइड्स या फिर कभी भी कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किया। ही नेवर प्रोन्ड हिस्ट्री ओवर गैदरिंग द फॉलन लीव्स। ठीक है, उसने कभी भी जो मतलब उसके दरख्त के जो सूखे हुए पत्ते या फिर जो सूखे हुए ब्रांचेस हुआ करता था उसने कभी उनको क्या नहीं किया, यानी कि जामा, जैसे मतलब अगर कुछ दरख्त कुछ लीव सूख जाते हैं तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उनको इकट्ठे करते हैं। ठीक है, उसने वो कुछ भी नहीं किया। उसने सोचा कि ही लेट नेचर टेक इट इज ओन कोर्स। उसने ये सोचा कि नेचर को खुद अपना काम करने दो। हिज फॉरेस्ट हैज़ फाइनली कम टू लाइफ। तो फिर उसका जो ये जंगल था, उसका ये जो फॉरेस्ट था, वो आखिरकार एक लाइफ यानी कि वो उगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो फिर आज हमने पढ़ लिया स्टोरी को लाइफ तक। तो फिर कल हम इस स्टोरी को क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। खुदा हाफिज़।